मैं बहुत किस्मत हूँ कि मेरा बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा है इसी फिल्म से, और इसी फिल्म से मैं मेरे गाने से भी डेब्यू हो रहा है, मेरा पहला गाना है मुझे। वो जब मुझे सुनाया तो उसमें पंजाबी टच था जो मुझे लगा कि हाँ मुझे सूट करता है, मेरी वोकल से सूट करता है, तो हमने गाया हुई होगी वो बहुत अच्छा गया। नचदी ता लगदी है कैंट सोना, आके दे मेरे कोले बैठ सोना, हाँ अखियां करके जादू टोना, नफसा हो गया होना पौना, लाइफ सेट हो जानी है जे सेट हो जानी तू, मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी नया तू, हेलो इंडिया हरी रू। लास्ट पूछना चाहेंगे यस्टरडे वी लूज और एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? जिमी सर आप, हाँ बेहद दुखद समाचार है, और मैं स्टेट्समैन तो वो सबके लिए और पॉलिटिशियन सबके लिए एक आला दर्जे के साबित हुए अपनी पूरी जिंदगी, बेहद अच्छी कवि थी, तो एक दूसरा एसोसिएशन मैं उनकी शख्सियत से फील करता हूँ कि मैं लिखता हूँ, और लॉस टू द कंट्री an inevitable one because that is the nature of life, but nevertheless a very important loss, irreparable loss. Thank you. Jimmy ji, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं बहुत छोटा था, पर मैं जितना उनके बारे में सुना है मुझे घर वालों से या सीनियर से यही पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ किया है उससे लोगों की, अपने देश को उनके एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है और हमेशा रहेगी, बड़ा दुख है। Responsibility of cinema, but cinema can contribute towards it. And I feel that 70 साल से लड़ रहे हैं कोई फायदा तो नजर नहीं आया मुझे, तो अगर हंसी मजाक करके देख लिया जाए तो शायद इसका कोई अच्छा हल निकल। ओके सर, पहले को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, दूसरे को भी बहुत ही अच्छा ट्रेलर का रिस्पांस मिल रहा है और जरूर हिट भी होगी। थर्ड के ऊपर भी हमने सुना है कि काम शुरू हो चुका है, अगर उसके बारे में बता सके, और कहीं ना कहीं करीना कपूर का भी इसमें रोल है प्ले करने वाली। नहीं, ये आप लोगों की मुस्तैदी की वजह से ये खबर मिली है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी फिल्म के लिए सबसे पहले मैं ये मानता हूँ और बेहद विनम्रता से हाथ जोड़ कर कि किसी भी फिल्म के लिए पहले दर्शकों का प्यार मिलना जरूरी है। किसी भी फिल्म मेकर को ये बोलता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए कि फिल्म अब तक रिलीज भी नहीं हुई और वो अगली सीक्वल की बात कर रहा हो, तो इस वक्त जो है वो हरगिज हमारा प्लान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म को इतना प्यार और उससे दुगना प्यार जितनी पहली फिल्म को मिला था वो एक बार उसको मिल जाए, फिर उसके बाद जो है ऊपर वाले ने चाह क्यों नहीं किसी डायरेक्टर के लिए बहुत मेहनत जुड़ी होती है एक फिल्म से, हर फिल्म से जुड़ी होती है, मगर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का प्रेम मिलता है, दर्शकों का प्रेम मिलता है। ओके जिमी सर, आपसे जानना चाहिए, आपने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए अब तक के जर्नी में, तो कॉमेडी करना कितना डिफिकल्ट रहा दूसरे जॉनर से अगर कंपेयर करें तो? बहुत मजा आता है कॉमेडी करने में, चाहता हूँ कि और अच्छे रोल मिले उनकी फिल्मों में और थोड़ा मजा आए। ये तो एक ऐसा किरदार है जो पहले पार्ट में उन्होंने देखा हुआ है, किरदार और मजा आया, ये सोच के
नहीं की थी पहली वाली की, इतना कमाल था रिस्पॉन्स। मगर फिर जब आप दूसरा पार्ट करने जाते हो तो फिर आपको उम्मीदें होती हैं कि आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे बेटर, और ये मैं वादा करता हूँ कि इसमें मिलेगा मजा जो है वो सेकेंड पार्ट में और ज़्यादा मिलेगा। So, Abhay sir, there is Abhay there also in the first part. This time, you are missing Abhay there, sir. So, कहानी ने मोड़ ऐसा लिया कि कहानी पाकिस्तान से बाहर आई, तो बिलाल अहमद और जोया जो है, मोहम्मद शेख भी आपको नहीं दिख रही होगी कहीं, बिलाल अहमद और जोया जो है वो क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ गए और कहानी चाइना की तरफ निकल गई, तो इसलिए आप उनको मिसिंग पा रहे हैं। मगर एक कमाल की बात मैं आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ कि ये बिलाल अहमद का किया हुआ कांड है जिसकी वजह से हैप्पी फिल्म फंस जाएगी का प्लॉट है, तो वो अभय देओल आपको फिल्म में ओमनी प्रेजेंट लगेंगे। ओके, जैसे सर आप डायना है तो कितना नर्वस फील कर रहे थे पहले जब आपका टेक शॉट था? जब पहले शुरू करना था उस टाइम था, थोड़ा बहुत दिल में था कि पता नहीं, तो मुझे पता नहीं कैसे काम होता है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी तो इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना था, तो दिल में ये था कि ये ना सोचे ये किसको पकड़ के ले आए हैं सर यहाँ है, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। तो पर जब हमने एक दो दिन शूट किया तो उसके बाद क्योंकि माहौल सेट का ऐसा था, सब इतने पॉजिटिव लोग, सब इतने सपोर्टिव, हर बंदा जिमी बाजी पीयूष जी सब डायरेक्टर सर प्रोफेसर सर सब ने इतना सपोर्ट किया कि फिर ये फील अपने आप निकल गई जल्द से। तो अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ, अभी नर्वस नहीं हूँ ना, अभी तो मुझे ये है कि कब 24 तारीख आए और कब लोग फिल्म देखें और बोलेंगे यार मजा आ गया। ओके पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे आपके परिवार का क्या टेक था जब ये डायलॉग आपने सुना देगा ट्रेलर में, तू गिल है तो मैं शेरगिल हूँ, तो क्या टेक मतलब क्या था रिस्पॉन्स? मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं शेरगिल है तो वो मेरे को खुद ही भेज रहे हैं कि अगर तू गिल है तो शेरगिल है। तो ये पंजाब में हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, शेरगिल गिल एक सरनेम से पीछे से फैमिली एक है, तो क्या कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, गिल शेरगिल बहुत आम सरनेम है वहाँ पे, तो ये उनको एक नई चीज मिल गई है सबको बोलने के लिए कि अगर तू गिल है तो मैं शेरगिल हूँ। ओके मुझे सर सोनाक्षी जी उन जैसे लोगों की स्टेज को बहुत बहुत है एंड ही इज गिवन दिस कंट्री अ लॉट यू नो बात दैट वी विल डेफिनेटली आई थिंक आई मीन यस्टरडे वी लॉस्ट वन ऑफ आवर फाइनेस्ट विजनरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट करेजियस लीडर्स दैट वी एवर हैड बिकॉज़ ऑफ थिंग दैट इंडिया इज यू नो क्लोज टू यू बिकॉज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड सो ही इज अ वेरी सैड। ओके मैम लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लास्टली क्या कहना चाहेंगे लोगों को आपकी मूवी आ रही है इन हैप्पी स्टाइल? नहीं तो पीआर नाराज हो जाएंगे। अभी तो आप बैठ के बताएंगे। वेल 24 अगस्त को मैम इन हैप्पी स्टाइल। हैप्पी स्टाइल हैप्पी स्टाइल हैप्पी तो भाग जाएगी। अभी हैप्पी स्टाइल होगा ये आंसर करके ही हम दोनों भागने वाले हैं। 24 अगस्त को हैप्पी फिर भाग जाएगी प्लीज थिएटर्स प्लीज गो एंड वॉच इट एंड फैमिली आप सबको बहुत मजा आएगा। थैंक यू मैम बेस्ट ऑफ लक।